इस वक्त हम मौजूद हैं अकबर रोड पर और मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा जो है वो कृष्णा मेनन लाइन से होती हुई अकबर रोड होती हुई तमाम जो रूट्स हैं उनसे होती हुई डीडी मार्ग की तरफ रवाना होती नज़र आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास के बाहर से अब कांग्रेस जो मुख्यालय है जनपद अकबर रोड वहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं भारी भीड़ जो है उनकी अंतिम यात्रा में उनके साथ जो है वो यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। दोनों तरफ अगर कहा जाए सेना के प्रमुख जो हैं वो भी यहाँ पहुँचते हैं, आर्मी की तरफ से है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक जन समूह जो है वो यहाँ पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। सीधे तरफ ये देख सकते हैं कि ये अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा है, उनकी पार्थिव शरीर को जो है वो बीजेपी मुख्यालय की तरफ जो है वो रुख किया गया है और तमाम जो लोग हैं आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स SPG तमाम जो सुरक्षा बल्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा काफिला जो है वो यहाँ पे होता हुआ गुजरता हुआ आपको कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से आपको नज़र आएगा और तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पैदल चलते हुए उनकी अंतिम यात्रा में जो है वो यहाँ पर पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देखेंगे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से ये तस्वीरें हैं जो कि अब DDU मार्ग की तरफ यहाँ पर ये पूरा रूट जो है वो उनकी अंतिम यात्रा जो है पार्थिव शरीर जो है वो DDU मार्ग BJP मुख्यालय में तकरीबन 1:30 बजे तक जो है वो रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। तमाम जो VVIPs मूवमेंट्स हैं लोग हैं वो वहाँ पहुँचेंगे उनकी अंतिम दर्शन के लिए और उसके बाद उनके शव उनकी जो यात्रा है उसको फिलहाल DDU मार्ग से राष्ट्रीय स्मृति स्थल जो है वो वहाँ पर लेके जाया जाएगा और पूरे रूट पर अगर कहा जाए तो तमाम जो लोग हैं कार्यकर्ता हैं उनकी भारी भीड़ जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिलेंगी। भारी अगर कहा जाए तो एक बड़े स्तर पर एक रूट जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा किस तरीके से काफिला जो है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो अंतिम यात्रा है उसमें यहाँ पर नज़र आएगा और भारी जनसमूह जो है वो नज़र आएगा। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भी आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ जो है वो जमा हुई हुई है उनकी अंतिम दर्शन के लिए।